नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक लेडी पिछले 56 साल से प्रेग्नेंट थी और एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान खून के आंसू रोता है और एक ऐसी मछली जो अपना जेंडर चेंज कर सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप ऐसी अमेजिंग 5 फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों क्या आप जानते हैं हवाई कल्चर में अगर एक लेडी अपने लेफ्ट ईयर के पीछे अगर फूल लगाती है तो इसका मतलब होता है कि वो लेडी ऑलरेडी इंगेज्ड है या मैरिड है, और अगर वहीं राइट ईयर में फूल लगाती है तो इसका मतलब होता है कि वो सिंगल है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। दोस्तों आप सी में पाई जाने वाली स्टार फिश के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन शायद आपको स्टार फिश के बारे में ये नहीं पता होगा कि एक स्टार फिश अपना जेंडर भी चेंज कर सकता है और ये अपने लाइफ टाइम में एक से अधिक बार अपना जेंडर चेंज कर सकता है। तो दोस्तों क्या आप आज से पहले ये फैक्ट जानते थे? दोस्तों आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, खून के आंसू रोना, बट क्या आप जानते हैं ये असल ज़िंदगी में भी हो सकता है और इस डिसीज़ को हेमोलेक्रिया के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही रेयर डिसीज़ है जिसमें मरीज़ की आंखों से पानी नहीं बल्कि खून निकलता है। और हेमोलेक्रिया होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस, आँखों में सूजन और जलन, हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि ट्यूमर के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, और दोस्तों डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग आंखों से खून निकलना आपको चौंका सकता है, लेकिन बहुत से केसेस में देखा गया है कि ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। लेकिन हेमोलेक्रिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी और बड़ी डिजीज़ का लक्षण हो सकता है। दोस्तों क्या आपने इनका टर्न बर्ड के बारे में सुना है? दोस्तों इस बर्ड को नेचर ने वाइट मस्टैच दी हुई है, यानी कि मूंछें, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अक्सर एक बच्चा 9 महीने के बाद जन्म लेता है, लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल दोस्तों ब्राज़ील की रहने वाली डैनियेला वेरा कुछ महीनों से नहीं बल्कि पिछले 56 साल से प्रेग्नेंट थी, और दोस्तों इन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये पिछले 56 साल से प्रेग्नेंट है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 81 साल की डैनियेला वेरा को जब पेट में बहुत दर्द होने लगा तो ये डॉक्टर के पास जाती हैं, और जब डॉक्टर्स इनकी जांच करते हैं तो पाते हैं कि ये पिछले 56 साल से प्रेग्नेंट हैं। इसके बाद डॉक्टर्स 14 मार्च को इनकी सर्जरी करके उस एम्ब्रियो को निकालने में सक्सेस रहे, लेकिन उसके अगले दिन ही डैनियेला वेरा की मौत हो जाती है। और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग डैनियेला वेरा की मौत सर्जरी के बाद उनके बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। और दोस्तों डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जो ये केस था इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। दोस्तों एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होता है जब गर्भ यूटेरस के बजाय बॉडी के किसी अदर पार्ट्स में गर्भधारण हो जाता है, जहां पर बच्चे का ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और ठीक से डेवलपमेंट ना होने के कारण गर्भ कैल्सीफाइड हो जाता है। ऐसे में ना तो बॉडी में पेन होता है और ना ही ब्लीडिंग। आई होप कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।